नमस्कार दोस्तों दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बहुत ही खूबसूरत और इंडोर प्लांट के बारे में जो आप अपने सामने देख पा रहे हो। दोस्तों इसे बोलते हैं फ्लोडेंड्रोन। फ्लोडेंड्रोन एक इंडोर प्लांट है, आप इसे लिविंग रूम, डाइनिंग रूम, इंडोर में कहीं भी रख सकते हो। मैंने ऑफिस में ला रखे हो, ऑफिस के जहाँ रख रखे हैं बहुत बेहतरीन प्लांट चल रहा है। और सबसे ख़ास बात ये इंडोर प्लांट के साथ साथ दोस्तों ये एयर प्योरीफायर प्लांट भी है, यानी कि उसकी हवा को शुद्ध भी करता है। तो आज हम इस प्लांट की कटिंग लगाने वाले हैं दोस्तों। इसमें दो वैरायटी आती हैं, एक तो ये छोटे लीव्स वाली जो आप अपने सामने देख रहे हो, एक आती है इससे बड़े लीव्स की इस तरह से। अब बात करते हैं दोस्तों कटिंग कैसे लगाएं और किस सोइल मीडिया में तैयार करते हैं। तो कटिंग करते समय ध्यान रखें कि ज़्यादा ज़्यादा प्लांट ख़राब ना हो, सावधानी से कटिंग कर लें। हमारे जैसा हमने की है तो पौधा आप देख सकते हो कितना हेल्दी पौधा है ये जो हमने कटिंग करी है। और एक पौधे में कम से कम 8-9 कटिंग निकल जाती है। ये छोटा प्लांट था इसलिए हमारे इसमें 4 कटिंग निकलेंगी। ये तीसरी कटिंग करती है और वो चौथा कटिंग कर रहे हैं। मात्र दोस्तों एक हफ्ते यानी कि 7 से 15 दिन के बीच में इसमें रूटिंग आ जाती है और काफ़ी अच्छा ये प्लांट ग्रो कर जाता है। अब ये दोस्तों हमने कटिंग करने के बाद जो आप देख रहे हो मात्र 1.5 महीने से 2 महीने में ये फिर वैसा ही प्लांट हो जाएगा जैसा अभी था। और इसमें छाया में रख दें और पानी नियमित रूप से जो दे रहे थे उसमें दीजिए। अभी हमारा दूसरा प्लांट है, इसमें हमारी कटिंग कम से कम 8-9 कटिंग निकल जाएंगी क्योंकि ये हेल्दी प्लांट दिख रहा है आपको। और दोस्तों एक चीज़ और बताऊँ, ये पानी में बहुत अच्छा चलता है। अगर आप किसी वॉल में पानी में इसे रख दोगे, जैसा मनी प्लांट में ड्राई चीना की जो है पानी में बहुत अच्छा चलता है, मनी प्लांट पोथोस, तो इसी तरह दोस्तों ये फ्लोडेंड्रोन का पौधा बहुत अच्छे से पानी में ग्रो करेगा। हो सके तो आप ज़रूर लगाइए। आप देख सकते हो इसमें रूटिंग नोड एरिया तो निकल रहे हैं दोस्तों, जैसे मनी प्लांट में एरियल रूट्स निकलती है ना, सेम उसी तरह इसमें भी निकले होते हैं। और इसे आप पानी में डाल दिए तो इसमें बहुत अच्छी रूट्स निकलेगी। मैं दिखाऊंगा आपको पानी में डाल के ग्रोथ करके दिखाऊंगा। नेक्स्ट इसमें शॉर्ट वीडियो बना दूंगा मैं आपको। अभी तो फ़िलहाल मैं मिट्टी में ही लगाऊंगा ये सारे पौधे। और ये जो आप देख रहे हो इसमें कम से कम 6-7 इसी में निकल जाएंगी कटिंग। चलिए यहाँ हमने कटिंग, मैं वीडियो लंबी नहीं करना चाहता दोस्तों, शॉर्ट कर देता हूँ। और यहाँ हमने कटिंग कर ली है, कटिंग करने के बाद लगाना किस में वो मैं दिखाता हूँ आपको। और दोस्तों यहाँ जिसमें हम पॉट में कटिंग लगाएंगे वो है 4 इंची पॉट, छोटे प्लास्टिक में है और मिट्टी में लगाएंगे, मिट्टी वाले पॉट में। और एक 6 इंची पॉट में लगाएंगे। और हो सके तो अगर बचते हैं कटिंग या बाद में करेंगे तो 8 इंची या 10 इंची पॉट में कटिंग लगाने के लिए। दोस्तों हम यहाँ जो मिट्टी यूज़ करो वो प्लान मिट्टी है कि आप प्लान मिट्टी यूज़ कर सकते हो, रेत या सैंड का यूज़ कर सकते हो। यहाँ हमने लिए साधारण मिट्टी 80% और 20% खाद। ये हमारी पुरानी मिट्टी है इसलिए गोबर खाद पहले से मिली हुई है दोस्तों। अगर आप गोबर खाद या बनी हुई कंपोस्ट यूज नहीं कर दो तो और बेहतरीन है, क्योंकि हमें प्लांट ग्रो नहीं करना, अभी रूट्स निकालनी है यानी कि उसकी जर्मिनेट करना है, इसलिए खाद की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो 4 इंची पॉट है इस तरह लगा के हल्के हाथों से दोस्तों प्रेस कर देनी है, दबा देना ताकि हमारा जो प्लांट हम कटिंग लगाना वो हिले ना, पानी डालते टाइम या वैसे भी कभी हिल जाए तो प्लांट हमारे ख़राब हो सकता है। तो दूसरा ही प्लांट हम इसी तरह तैयार करेंगे, ऊपर से फुल मिट्टी भरने के बाद ऊपर से इस तरह लगा के प्रेस कर दिए साइड में, हल्का सा दबाया और साइड में रख दिया। तो इसी तरह हम सारे पौधे तैयार कर लेते हैं दोस्तों। और इसमें पानी का थोड़ा ध्यान रखना दोस्तों, पानी आपको ज़्यादा नहीं डालना। फिर से सुन लीजिए दोस्तों, पानी अगर ज़्यादा डालते ये प्लांट गलता है, रेगुलर पानी नहीं डालना। तीसरे दिन चौथे दिन पानी ज़रूर डालना, हफ्ते में 2 बार बस। तो दोस्तों ये पौधे हमारे तैयार हो चुके हैं, तकरीबन 250 से 300 पौधे तैयार हो जाएंगे। तो ये है 4 इंची पॉट में, इसका प्राइस हम रखेंगे 40 रुपये। और जो बड़ा साइज है ये बड़े साइज में है दोस्तों, 6 इंची पॉट में, इसका साइज प्राइस है जो वो है 60 रुपये। तो इस तरह आप भी तैयार ज़रूर कीजिए दोस्तों। तो दोस्तों कटिंग लगाए हुए पूरे 8 दिन हो चुके हैं, ये 9वां दिन है और मैं आपको दिखाऊंगा कि 9वें दिन में रूट्स बनी है कि नहीं बनी, कितनी बनी है। बारिश का टाइम है दोस्तों, बारिश हो रही है अभी इस टाइम, हल्की हो गई तो मैं सोचा भी आपको रिजल्ट दिखा देता हूँ। तो इस प्लांट से शुरुआत करते हैं, ये बड़े 6 इंची पॉट है।
और इसमें देखो दोस्तों हल्की हल्की रोटी बनने लगी है। मैं साफ़ कर देता हूँ ये पानी, बारिश का जो पानी हो रहा है उसी से साफ़ कर देता हूँ। इसमें देख सकते हो ये रूटिंग काफ़ी रूट्स निकल गई हैं। वापिस लगा देता हूँ दोस्तों इसमें, और छोटा पौधा कोई देखता हूँ मैं। आप प्लांट चेक कर सकते हो किसी में पानी, इधर वाले में मिट्टी वाले में जो पानी ठहर गया है, तो ऐसे अगर पानी ठहरता तो पौधा हमारा ख़राब हो जाएगा। जिससे अभी दोबारा से रिपेयरिंग करेंगे हम, और दूसरा पौधा हम फिर से चेक करते हैं मिट्टी वाला, इसमें रूटिंग कितनी हुई है। पानी से साफ कर लेते हैं इसे हम, और रूट्स इसमें भी काफ़ी अच्छी रूटिंग हो गई दोस्तों, रूट निकल गए। एक चीज़ वो बताऊँ, ये पौधे मरते नहीं दोस्तों। हम हज़ारों पौधे तैयार करते हैं लेकिन मरते नहीं हैं, लेकिन पानी की वजह से गलना स्टार्ट हो जाते हैं जिससे ख़राब हो जाते हैं प्लांट। इस बात का ध्यान रखें, बारिश हो रही है पानी रुका तो पौधा ख़राब हो सकता है, पानी रुकना नहीं चाहिए। फिर मिलेंगे दोस्तों नई वीडियो में। जय हिंद।